हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं बताने वाला हूं आपको एक स्टेटमेंट के बारे में जो कि एमसीओ 4 से रिलेटेड है। तो ये स्टेटमेंट काफी कॉमन है, एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। और ये स्टेटमेंट कहता है कि ग्लोबलाइजेशन एज ए पॉलिसी जो है वो सारे कंट्रीज के लिए उसकी इम्प्लीकेशन जो है वो सेम नहीं हो सकती है। इट कैन हैव डिफरेंट इम्प्लीकेशन फॉर डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है ना? तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो, इसको पूरा देखिएगा। और एमसीओ 4 के अगर आपको नोट्स लेने हैं तो आप हमें नोट्स लेने के लिए आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर पे, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विच सेज दैट ग्लोबलाइजेशन एज अ पॉलिसी कैन नॉट हैव सिमिलर इम्प्लीकेशन फॉर ऑल कंट्रीज, सारी कंट्रीज के लिए सेम तरह की इम्प्लीकेशन जो है वो ग्लोबलाइजेशन के केस में नहीं हो सकती। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे या क्या है इसके बारे में, चलिए देखते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन हैज अंडर यू नो अश्योर्ड इन चेंजेस फॉर द डिफरेंट कंट्रीज, while for some it has spelled all over the favorable indicators while on the other side for some it is spelling unfavorable factors, ठीक है? तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात की जा रही है कि यहाँ पे बहुत तरीके की चीजें जो है, बहुत तरीके के चेंजेस जो है इसमें देखने को मिल रही है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इसका असर जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। किसी किसी कंट्री के लिए ग्लोबलाइजेशन बहुत ही अच्छा होता है, बट किसी किसी कंट्री के लिए ग्लोबलाइजेशन की जो दिक्कत है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि सपोज कोई कंट्री अगर बहुत ज्यादा यू नो डिपेंडेंट नहीं है, आई मीन इंडिपेंडेंट नहीं है, वो सारे काम खुद से नहीं कर सकती, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सारी बेसिक चीजों के लिए आपको तो किसी और कंट्री के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। सो ग्लोबलाइजेशन में जनरली क्या होता है कि किसी भी कंट्री के यू नो कंपनी को अलाउ किया जाता है कि आप किसी भी कंट्री में जाकर के अपना जो है सामान वगैरह बेच सकते हो। तो कोई भी जब कंट्री आपके कंट्री में आएगी जहां पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो आप डेफिनेटली उनसे प्रोडक्ट खरीदोगे। इससे क्या होगा कि आपके यहाँ की जो लोकल कंपनीज है जो कि पनपने की कोशिश कर रही हैं, जो कोशिश कर रही हैं कि वो मार्केट में अपनी एक जगह बना पाए, ग्लोबलाइजेशन के कारण उनको नुकसान हो जाएगा। और बहुत सारी सारी कंट्रीज हैं जिनको फायदा भी होता है। फायदा इन द सेंस, कोई कंट्री में अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और वो उस चीज को बहुत ज्यादा बना रहे हैं, है ना, उनके पास अगर पॉपुलेशन के पास कंजम्पशन करने के बाद भी बहुत सारे प्रोडक्ट बच जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप अपने प्रोडक्ट को अपनी कंट्री के बाहर जाकर के सेल करने की कोशिश करोगे। तो इन दैट केस ग्लोबलाइजेशन इज गुड, बट इन अदर केसेस ग्लोबलाइजेशन इज बैड फॉर सम कंट्रीज, है ना? तो इसी के बारे में हम हमारा ये टॉपिक है, चलो फिर देखते हैं। सो द डेवलपिंग एंड द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैव डिफरेंट डेफिनेशंस फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो डेवलप डेवलपिंग और जो लीस्ट डेवलप्ड है, जिनका डेवलपमेंट अभी हुआ नहीं है या फिर हो रहा है बहुत ही स्लो हो रहा है, उनके हिसाब से जो ग्लोबलाइजेशन का जो डेफिनेशन है वो तीनों टाइप के कंट्रीज के हिसाब से अलग अलग है। कैसे? देखो, इट इज बिकॉज दे हैव अ ब्रॉट इन डिफरेंट रिजल्ट्स फॉर देयर इकोनॉमीज। अब ये ऐसा इसलिए नहीं है कि बस उनका डेफिनेशन अलग है, ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जब उन्होंने इस चीज के ऊपर रिसर्च करा तो उनको पता चला कि हमारी कंट्री के लिए ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट जो है वो दूसरे किस्म का है, दूसरी कंट्री के लिए दूसरे किस्म का है। फर्स्टली ग्लोबलाइजेशन हैज रिड्यूस्ड डिस्पैरिटीज बिटवीन एग्जिस्टिंग बिटवीन द ग्लोबल इनकम एंड पॉवर्टी। सबसे पहले तो डिस्पैरिटी को एक तरीके से खत्म कर दिया गया है। समझ में नहीं आएगा कौन गरीब है कौन अमीर है, अगर आप अफोर्ड कर पाओगे तो लोगे, नहीं तो फिर नहीं लोगे। तो जो डिस्पैरिटी थी कि मैं गरीब हूँ तो आपके सामान में जो कम दाम के सामान है वही मिले ताकि लोग वहाँ के लोग अफोर्ड कर पाए, तो वो चीज जो है एक तरीके से खत्म हो गई है, राइट? सो द जो गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सो द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर इज डिक्रीजिंग ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। तो एक तरीके से घट रहा है, बहुत ही मार्जिनली आप बोल रहे हो घट रहा है, लेकिन अगर ओवरऑल इन जनरल देखा जाए तो जो गैप है वो एक तरीके से बढ़ता जा रहा है। अगर आपके पास, देखो इसका फायदा मैं पहले बता दूं कि यहाँ पे क्यों बोला गया कि ये घट रहा है, वो इसलिए बोला गया कि सपोज कोई कंट्री में आपके पास रिसोर्सेज नहीं है बट फिर भी आप उस प्रोडक्ट को बना रहे हो जिसका आपके पास रिसोर्स नहीं है, तो आपको बनाने में डेफिनेटली उस चीज को ज्यादा खर्च पड़ेगा क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। सपोज आपको 100 रुपए खर्च पड़ा, बाहर से आपने सेम चीज मंगवाई आपको 80 रुपए लगे या 70 रुपए लगे क्योंकि बाहर की कंट्री में उसको बनाना आसान है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, तो आपके पैसे भी यहाँ 20 रुपए बच रहे हैं, प्लस आपकी कंट्री का भी फायदा है कि उनको उस प्रोडक्ट को तैयार करने की जरूरत ही नहीं है, वो किसी और कंट्री पर डिपेंडेंट होकर के अपने प्रोडक्ट को मंगवा सकता है। तो यहाँ पे जो रिच एंड पुअर का जो एक तरीके से जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो घटेगा क्योंकि आप भी सेम तरह की चीज जो है अफोर्ड कर पाओगे जो कि एक अमीर आदमी अफोर्ड कर सकता है, राइट? लेकिन दूसरी तरफ से आप सोचो कि कोई कंट्री मतलब गरीब है, कोई वहां पे कुछ लोग अमीर हैं, तो डेफिनेटली जो अमीर लोग होंगे उनके पास एक्सेस पहले आएगा, जो लोग गरीब होंगे उनके पास एक्सेस बाद में आएगा। कई सारे गरीब लोग जिनके पास पैसे नहीं है फिर यू नो लेने से उनको और दिक्कत हो सकती है, तो वो लोग क्या करेंगे, उस चीज को अवॉइड करेंगे लेना, है ना? प्लस बहुत बारी क्या होता है कि बाहर की कंट्री स्टार्टिंग में आती है तो प्राइसेस बहुत कम रहती है तो आप अफोर्ड कर पाते हो, लेकिन जैसे ही आपका जो लोकल स्ट्रक्चर है, जो लोकल आपका कंपटीशन है, वो उनको खा जाती है, वो उनको निगल जाती है। तो जब लोकल कंपटीशन खत्म हो जाता है तो मार्केट में कोई और कंपनी बची नहीं, वो अकेला बचा, तो वो क्या करेगा, प्राइसेस को बढ़ा देगा, तो आपका फिर दिमाग खराब, ठीक है ना? तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है।
सो वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ चाइना वेयर पर कैपिटा ग्रोथ हैज इंक्रीज मेनी फोल्ड, है ना। तो यहाँ पे चाइना का एग्जाम्पल लिया जा रहा है जहाँ पे जो ग्रोथ है पर कैपिटा ग्रोथ है वो बहुत तरीके से, मतलब अलग अलग तरीके से जो है इंक्रीज हुआ है। कैसे हुआ है? हाउएवर देयर आर मेनी कंट्रीज विच आर येट टू बी ओपन्ड अप टू द ग्लोबल वर्ल्ड। अभी भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन लोगों ने अभी तक अपने इकोनॉमी को ओपन नहीं किया है बाकी सारे कंट्रीज के लिए, है ना। तो अभी भी ऐसी इकोनॉमीज हैं। इवेंचुअली दे आर स्टिल एग्जिस्टिंग इन पुअर शेप, इसलिए वो लोग अभी भी जो है पुअर शेप, एक तरीके से गरीबी रेखा के नीचे, मतलब गरीबी में जी रहे हैं। जैसे हमारी कंट्री 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, LPG हुआ, उसके बाद से ही हमारी कंडीशन इतनी अच्छी हो पाई है। हालांकि उसका असर जो है गरीब लोगों को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा, अभी भी भुगत रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है एक तरीके से कैपिटलिज्म को बढ़ावा देना, कैपिटलाइजेशन को बढ़ावा देना, गवर्नमेंट का कंट्रोल किसी चीज के ऊपर नहीं होना। तो जब गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा तो लोगों का भी कंट्रोल नहीं होगा, और लोगों का कंट्रोल नहीं होगा तो सबसे ज्यादा सफर जो है वो गरीब लोगों को ही करना पड़ता है, ठीक है। बिसाइड्स ग्लोबलाइजेशन हैज ऑल्सो लेड टू पावर टैरिफ एंड बैरियर्स, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन एक तरीके से जो टैरिफ एंड बैरियर्स पहले हुआ करते थे उसको एक तरीके से उसने घटाया है, क्योंकि उनको पता है कि बाहर बेचेंगे तो फायदा ज्यादा होगा, तो टैरिफ अगर हम लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने टैरिफ और बैरियर्स जो दिक्कतें थी उसको भी एक तरीके से हटाया गया है। इवेंचुअली दे आर गिविंग फेवरेबल बेनिफिट्स, और समय के साथ साथ वो लोग जो है फेवरेबल बेनिफिट्स दे रहे हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल्सो नेशनल इनकम। अब ग्लोबलाइजेशन के कारण जो है एक फायदा और होता है कि एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देता है, साथ ही साथ जो नेशनल इनकम होती है कंट्री की, जो इनकम होती है वो भी बढ़ती है। बिसाइड देयर इज अ कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड बाय टू द एम्प्लॉयज दैट प्रॉमिसेस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी फ्रॉम द एम्प्लॉयज इन एक्सचेंज, है ना। तो अगर कंड्यूसिव वे में बोला जाए तो एक तरीके से वर्क एनवायरनमेंट जो है बहुत बहुत हद तक जो है एम्प्लॉयज को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करता है कि वो ठीक तरीके से काम करें। तो यहाँ पे वही बात है कि आप अगर अच्छे तरीके से काम करोगे तो फिर आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आप अच्छे तरीके से काम नहीं करोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। सो एलपीजी के केस में, प्राइवेटाइजेशन या फिर ग्लोबलाइजेशन के केस में ये चीज देखने को मिलती है। सो बाय असेसिंग द पॉवर्टी गैप को देख करके ये पता चलता है कि दे आर नोन फॉर द फैक्ट दैट द गैप फेज has widened with the increase in US dollar against the other countries, है ना? तो US dollar, देखो जब भी हमारा करेंसी का comparison होता है तो वो हमेशा जो है US dollar के against में होता है, है ना? और ये comparison के कारण ही हमें पता चलता है कि हम किसी country से कितने पीछे हैं या फिर हमारी per capita income कितनी है, है ना? तो हमें ये पता चलता है कि जब हम analyze करते हैं कि जो हमारा growth है वो भले ही हो रहा है लेकिन बाकी सारी countries के मुकाबले बहुत ही slow है, and we are lacking very much, है ना? However, there seem to be no decline in the prices owing to the appreciation of the US dollar. तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि जो US dollar की price है वो घट रही है, बल्कि हमारे dollar की जो रुपी होती है, हमारे रुपए का जो एक तरीके से value होता है वो घटती है, है ना? ये हमें देखने को मिलता है। Meanwhile, देखो हर चीज अच्छी है, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, एफडीआई बाहर में आ रही है, लेकिन स्टिल हम लोग डॉलर के मुकाबले घट रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये फंडा ही उस तरीके का है, है ना? आपकी करेंसी वीक होगी, जैसे जैसे आप ज्यादा बिजनेस करने की कोशिश करोगे, लिक्विडिटी मार्केट में रखने की कोशिश करोगे, आपकी लिक्विडिटी वीक होगी। तो ये अच्छा भी है फॉर द बिजनेस पर्पज, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए नुकसान है, क्योंकि आपके पैसे को कब निगल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका पैसा कब 10 लाख से 1 लाख बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यही होता है इन्फ्लेशन और ये प्राइस डिक्रीशन का एक तरीके से नुकसान, ठीक है। मीनवाइल द कॉर्पोरेट बॉडीज आर आल्सो बेनिफिटिंग इन द लॉन्ग रन, देखा जाए तो लॉन्ग रन में जो कॉर्पोरेट बॉडीज है, जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, वो भी एक तरीके से उनको बेनिफिट हो रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इन द कंट्री, और ये इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि हमारी कंट्री में लेबर जो है वो बहुत ही चीप है। आपको 300 रुपए 500 रुपए दिहाड़ी पे आपको मजदूर मिल जाएंगे काम करने के लिए, लेकिन अगर आप किसी और कंट्री में जाओगे तो फिर आपको मिलने मुश्किल है, समझ रहे हो? 500 रुपए पर डे, समझ रहे हो कितना डॉलर होता है? सिर्फ $8, $8 के बदले आप पूरा का पूरा दिन आप जो है वहां पे खटते हो, $10 भी नहीं मिल रहे हैं आपको राउंड फिगर में। तो इंडिया में लेबर कॉस्ट बहुत ही चीप है क्योंकि लोग यहाँ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, डिमांड बहुत, लोग बहुत ज्यादा है, काम बहुत कम है, राइट। सो बिसाइड द लोअरिंग ऑफ द ट्रेड बैरियर्स, फ्लो ऑफ कैपिटल ऑल्सो हेल्प देम इन मेकिंग बिजनेस डील्स, है ना। तो जो ट्रेड बैरियर्स है वो तो एक तरीके से घट गया, तो उसके कारण से जो ट्रेड जो बिजनेस डील है वो होंगी, लेकिन इसके साथ ही साथ जो फ्लो ऑफ कैपिटल है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, जो एफडीआई हम कहते हैं, उसके कारण से भी बिजनेस डील जो है वो बहुत ही ज्यादा हो रही है। दीज प्रोसेसेस इंक्रीजेस द बिजनेस प्रॉफिट, अब इसके कारण से बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ रहा है। इवन द डेवलपिंग कंट्रीज आर डेराइविंग अ ह्यूज माइलेज आउट ऑफ दीज, है ना। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे कि इंडिया हो गई, पाकिस्तान हो गई, और भी जो कंट्रीज है वो भी एक तरीके से इसका बेनिफिट जो है ले रही है, किसका? ग्लोबलाइजेशन का।
ठीक है, देयर शुड बी मोर इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन ड्यू टू द इंडस्ट्रीज फेसिंग अ हाई कॉम्पिटिशन, है ना। तो बोला आ रहा है कि एक तरीके से हमारे यहाँ पे, खासकर हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन को ठीक तरीके से यूटिलाइज करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हाई कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। जब आप टूथपेस्ट की बात करते हैं तो आपके मुंह से सिर्फ कोलगेट निकलता है, आप दुकान में जाकर टूथपेस्ट खरीद लो तो आप टूथपेस्ट नहीं बोलोगे, आप बोलोगे कोलगेट मुझे दे दो। तो इस तरीके से यह सिनोनिम बन गया, और ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने ठीक तरीके से काम किया है, पर वो हमारे लिए सही नहीं है क्योंकि कोलगेट बाहर की कंपनी है, जो भी प्रॉफिट होगा वो इंडिया के बाहर लेकर के जाएंगे, वो इंडिया में एक्सपेंड करेंगे, बट अल्टीमेटली वो कुछ प्रॉफिट जो है इंडिया के बाहर भी जाता है, तो इंडिया के पैसे बाहर जाएंगे तो नुकसान है हमारे लिए, राइट। तो हमें ग्लोबलाइजेशन को कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा, कुछ इस तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा ताकि हमें ज्यादा कॉम्पिटिशन, ज्यादा लॉस हमें फेस ना करना पड़े, ठीक है। दस द एक्सपोर्ट हाउसेज शुड हैव मोर स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। अब ये तभी पॉसिबल जब आपके पास यू नो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी हो, आप किसी भी चीज को बहुत जल्दी से तैयार कर पाओ वगैरह वगैरह, है ना। फर्दर इट शुड ट्राई टू कम अप टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। दूसरी बात है कि जो भी चीजें आप बना रहे हो, जो भी टेक्नोलॉजी आपके पास है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए ताकि लोग भी आपके प्रोडक्ट को खरीदें, आपके मशीनरी को खरीदें, है ना। ऑल्सो द ट्रांसफर ऑफ अपडेटेड टेक्नोलॉजी प्रूव्स टू बी एन इमेंस हेल्प। और ये भी देखने को मिलता है कि अगर आप बहुत हद तक यू नो अगर आप टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हो, अगर आप उसको अपडेट कराते रहते हो, तो वो भी एक तरीके से आपके ग्लोबलाइजेशन के स्टेटस को, आपके बिजनेस के स्टेटस को बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। However, there also exist some negative implications in the entire process of globalization. तो यहाँ पे कुछ negative चीजें भी हैं जो कि globalization के process में hurdle create करती हैं, वो क्या हैं? The small scale industries receive a threat owing to the high competition emerging from the globalized economy. यही मैं बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा नुकसान यही है कि जब कोई बड़ी कंपनी आपके कंट्री में आएगी तो वहाँ की छोटी कंपनी को खा जाएंगी, उनको खत्म कर देंगे एक तरीके से, क्योंकि वो सस्ते दामों पे शुरू में सामान बेचेगी। आप क्या करोगे, आप अपने कंट्री के कंपनीज को सपोर्ट नहीं करोगे, आपको लगेगा यहाँ सस्ता में मिल रहा है, यहाँ से खरीद लेते हैं, और जब आप खरीद लोगे तो ये कंपनी यहाँ पे बंद हो जाएगी, इंडियन कंपनी, और फिर हमें जो है पूरी की पूरी पूरी की पूरी तरह से जो है बाहर की कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, राइट। देयरफॉर मेनी टाइम्स देयर सर्वाइवल इज एट स्टेक। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि उनका जो सर्वाइवल है वो बहुत ही स्टेक पे लगा हुआ रहता है, मुश्किल में पड़ा हुआ रहता है। It can lead to unemployment. Besides, there are chances that the powerful companies may interfere with the government. है ना? तो यहाँ पे एक तरीके से unemployment का भी खतरा होता है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा chances होती हैं कि जो powerful companies हैं, वो government में भी interfere करें। जैसे कि हमारे इंडिया की government है, या किसी और country की government है, अगर ज्यादा powerful country होगी, बड़ी country होगी, तो वो आपके government में भी interfere करेगी, उनसे अच्छे अच्छे projects लेने की कोशिश करेगी, अपने अपने बातों को मनवाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट, जो इम्प्लीकेशन है, वो हर कंट्री के लिए अलग अलग होता है, और उसी को हम लोगों ने अभी पढ़ा है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।